नए पाठ भाषा बोली लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो आप सभी को पता है कि हम क्या हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहने के कारण हमें समाज के लोगों के साथ में उठना बैठना पड़ता है, समाज के लोगों के साथ हमें बातचीत करनी पड़ती है। तो ये बातचीत हम कैसे करेंगे? अभी मैं आई और मैंने आपको नहीं बताया कि मैं आज आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो मेरे मन में क्या है, मेरे मन में क्या भाव है, क्या विचार है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये जब तक मैं नहीं बताऊँगी आपको पता नहीं चलेगा। तो भाषा किसे कहेंगे हम? तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भाव विचारों का आदान प्रदान करता है। तो आइए हम देखते हैं भाषा किसे कहेंगे। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब हम अपने मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर अभिव्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करता है। इन दोनों का मूल आधार क्या है? तो इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है। भाषा शब्द किससे बना है? तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। तो भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है और सामने वाला उन भावों और विचारों को सुनकर उसके अर्थ को ग्रहण करता है। तो भाषा के अब रूप, भाषा के रूप के बारे में हम जानेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के दो रूप हैं, क्योंकि मनुष्य अपने मन की बात को कैसे प्रकट कर रहा है? बोलकर प्रकट कर रहा है। तो पहला तो क्या हो गया? बोलकर, मतलब मौखिक भाषा। भाषा का पहला रूप क्या हो गया? मौखिक भाषा। क्यों? क्योंकि मनुष्य बोलकर अपने भाव व्यक्त कर रहा है। और भाषा का दूसरा रूप क्या होगा? लिखित भाषा। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है? अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करता है। तो आइए हम इनकी परिभाषा जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भाव, जो भी भाव हमारे मन में आ रहे हैं, उन भावों और विचारों को अगर हम बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला जो सुन रहा है वो कैसे उसके अर्थ को ग्रहण करेगा? तो उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए वो सुनेगा। तो मौखिक भाषा वह भाषा जिसमें मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है और श्रोता सुनकर उसके अर्थ को ग्रहण करेगा, उसे मौखिक भाषा कहेंगे। अब हम उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों, हम सभी घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, तो क्या हम उन बात को लिखकर कहते हैं? क्या नहीं कहते हैं ना। आपकी माँ अगर आपसे कुछ कहेगी तो क्या कहेगी? बोलकर ही तो उसके अर्थ को प्रकट करेगी। और आप क्या करेंगे? सुनकर उसके अर्थ को प्रकट करेंगे। तो जो बातचीत है वो भाषा क्या क्या है? मौखिक रूप है। अगर कोई राजनेता भाषण दे रहा है तो उसके अर्थ को हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं? सुनकर उसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भी भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। फिर अगर हम भाषण दे रहे हैं या हम काव्य पाठ कर रहे हैं तो वो भी क्या हो गया? भाषा का मौखिक रूप हो गया। तो भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण है बातचीत, भाषण, मैं पढ़ा रही हूँ तो वो भी मैं मौखिक रूप से आपको समझा रही हूँ, तो ये भी भाषा का मौखिक रूप हो गया। भाषा का जो मौखिक रूप है वो सबसे प्राचीन रूप है, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना ही सीखा था। फिर है भाषा का जो दूसरा रूप है वो है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा हम किसे कहेंगे? तो लिखित भाषा का मतलब ये होता है कि मनुष्य अपने मन के भाव और विचार को कैसे प्रकट करेगा? तो वो लिखकर अपनी बात को प्रकट करेगा। और आप उसके अर्थ को कैसे ग्रहण करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा। आप उसके अर्थ को ग्रहण कैसे करेंगे? पढ़कर करेंगे। तो लिखित भाषा किसे कहेंगे? कि मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा के जो उदाहरण है,
हम समाचार पत्र हैं, तो समाचार पत्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें समाचार पत्र में जो भी समाचार लिखे होते हैं हम उनको पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। हम मोबाइल फ़ोन में जो SMS होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, हम उसके अर्थ को ग्रहण कैसे करते हैं? पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो ये भी भाषा का रूप कौन सा हो गया? लिखित रूप हो गया। फिर है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। मतलब जो वर्ण है उसके हम खंड नहीं कर सकते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। अब ये जो वर्ण है, इन वर्णों को जो लिखने का ढंग है उसे हम क्या कहेंगे? तो वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। अब क्या सभी भाषाओं की लिपि एक सी है, एक ही है क्या? तो नहीं, सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हम सभी भाषाओं को एक ही लिपि में नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि लिपि क्या है। तो हिंदी जो भाषा है हमारी, राष्ट्रभाषा है, इसकी लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि देवनागरी है। और हमारी प्राचीन भाषा कौन सी है? तो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी। फिर है अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। और चीनी की कौन सी है? चित्रलिपि। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिसमें बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। विश्व की कुछ भाषाएं और लिपियाँ, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अरबी, फारसी, फ्रेंच, रोमन, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। फिर मराठी भाषा, तो मराठी की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी। रूसी, रूसी ही इसकी लिपि है। जर्मन, रोमन, उर्दू, फारसी, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी, और स्पेनिश की रोमन लिपि। अब देवनागरी लिपि जो है विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। अब हम देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे कि देवनागरी लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियाँ बाईं से दाईं ओर ही लिखी जाती है। उर्दू भाषा की जो फारसी लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब हिंदी भाषा में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि अगर हम व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम शब्दों का, जो हमारी भाषा है उसके शुद्ध और अशुद्ध रूप के बारे में जान ही नहीं पाएंगे कि इसका शुद्ध रूप कौन सा है और अशुद्ध रूप कौन सा है। हमें जब हम भाषा है हिंदी भाषा है तो इसमें हमें वचन का ध्यान रखना होता है, हमें लिपि का ध्यान रखना होता है, हमें लिंग का ध्यान रखना होता है, हमें कारक का कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ नहीं प्रयोग करना है, हमें विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है, हमें सब कुछ ध्यान रखना होता है। और ये सब कुछ जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम व्याकरण के माध्यम से ही इन सब के बारे में जान सकते हैं। तो व्याकरण किसे कहेंगे? तो व्याकरण के जो नियम हैं वो क्या हैं? सुरक्षित हैं। भाषा के ये नियम ध्वनि, वर्ण, शब्द, उपवाक्य, वाक्य आदि से संबंधित होते हैं और हमें बताते हैं कि किसी ध्वनि या शब्द का उच्चारण ठीक है या नहीं। मतलब हमने उच्चारण उसका सही किया है या नहीं किया है, हमने उसे सही लिखा है या नहीं लिखा है। क्योंकि हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धि क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है, हमें व्याकरण का नॉलेज नहीं है। तो तभी तो हम मात्रा उल्टी या सीधी लगाते हैं। जहाँ बड़ी ई की मात्रा लगानी होती है वहाँ छोटी ई की लगा देते हैं, जहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगानी होती है वहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमें व्याकरण नहीं पता। इसीलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। उसी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आइए हम जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप
और प्रयोग का ज्ञान होता है। अब व्याकरण का महत्व, भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? तो व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। दूसरा है, व्याकरण भाषा के स्वरूप और स्वभाव का विश्लेषण करके उसके वास्तविक रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित और नियमित करता है। फिर है, समय के साथ साथ भाषा में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और व्याकरण उन्हीं के अनुसार नियमों में परिवर्तन करके भाषा को नया कलेवर देता है। व्याकरण के नियमों से भाषा में मानकता आती है, जिससे भाषा शुद्ध और परिमार्जित होती है। व्याकरण के ज्ञान से व्यक्ति भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीख जाता है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। मतलब अगर हम सही बोलेंगे, सही लिखेंगे, तो उससे हमारा व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। फिर है, व्याकरण के अंग और भाषा की इकाई, कि व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं। तो व्याकरण हमें जिस भाषिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है, उसके तीन अंग हैं। अब आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। तो हमें सबसे पहले ज्ञान किसका होना चाहिए? वर्ण का होना चाहिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? शब्द का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो हमें वाक्य का ज्ञान भी होना चाहिए। तो वर्ण विचार सबसे पहला क्या है? वर्ण विचार। तो व्याकरण के इस विभाग में हमें वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके संयोग और संधि का अध्ययन किया जाता है। इसी विभाग की एक और इकाई है, जिसका भाषा विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, वह इकाई है ध्वनि। फिर है, अब वर्ण, वर्ण विचार में हम क्या जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर है व्यंजन, व्यंजन में हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे, अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानेंगे, ऊष्म व्यंजन के बारे में जानेंगे, संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे, द्वित्व व्यंजन किसे कहेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होगा? वर्ण विचार से। हम ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? वर्ण विचार से हम ये सब सीख सकते हैं। फिर है दूसरा, शब्द विचार। तो शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो शब्द विचार में हम इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शब्द विचार क्या है? तो शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण, वर्गीकरण, वर्तनी और प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार की एक महत्वपूर्ण इकाई है पद विचार। पद विचार में शब्दों के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। फिर है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम वाक्य के बारे में जानेंगे। तो वाक्य के जो भेद होते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद या रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इनके बारे में जानेंगे। तो वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। फिर है प्रयोग या बोलने के आधार पर भाषा के रूप। अब प्रयोग के आधार पर भाषा का कौन सा रूप है? तो पहला है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहेंगे? तो आप सभी को पता है कि जब छोटा सा बच्चा जब वो जन्म लेता है, तो क्या जन्म लेते ही वो स्कूल चला जाता है क्या? नहीं ना। जन्म लेने के बाद वो सबसे पहले किसके साथ रहता है? किसका सानिध्य उसे मिलता है? तो सबसे पहले उसे उसकी माँ का सानिध्य मिलता है। वो अपने माँ के साथ रहता है। उसे सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है? माँ की गोद में मिलता है। फिर वो परिवार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। छोटे बच्चे को हम कह देंगे बाहर जा, तो वो नहीं जाएगा, वो डरता है, क्योंकि उसे परिवार अच्छा लगता है। तो उसके परिवार में क्या बोला जा रहा है, कौन सी भाषा बोली जा रही है, वही तो वो सीखेगा। अगर हम मारवाड़ी बोलेंगे तो वो मारवाड़ी सीखेगा, अगर हम सिंधी बोलेंगे तो वो सिंधी सीखेगा, अगर हम पंजाबी बोलेंगे तो पंजाबी सीखेगा, अगर हम
बांग्ला बोलेंगे तो बांग्ला सीखेगा, मतलब जो भाषा वो सुनेगा वही तो सीखेगा। तो भाषा का बोलने के आधार पर जो रूप है वो है मातृभाषा। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृ का मतलब ही क्या होता है? माँ, तो उसने माँ से ही तो सीखा है। तो मातृभाषा घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखे जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। इसीलिए पंजाबी परिवार के बच्चों की मातृभाषा पंजाबी होगी, गुजरातियों की गुजराती, केरल के लोगों की मलयालम, असमियों की असमी होती है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी होती है। फिर है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? तो किसी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हम हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर हिंदी को वो भारत की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, किंतु संवैधानिक रूप से भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। फिर है राजभाषा। राजभाषा किसे कहेंगे? तो किसी भी देश अथवा राज्य के राजकाज यानी शासन के लिए जो स्वीकृत भाषा है वो राजभाषा होती है। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। फिर है संपर्क भाषा। तो अनेक भाषाएं बोलने वालों के बीच में विचारों के आदान प्रदान के लिए जो भाषा एक पुल का काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। अब हम किसी से बात करें, अगर हमारे संपर्क में कोई भी आता है तो हम उससे कैसे बात करेंगे? हम उसी भाषा में तो बात करेंगे ना कि जिसमें वो समझ सके। हम जो भाषा बोल रहे हैं अगर वो नहीं समझ सका तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो संपर्क भाषा में ये होता है कि जो भाषा एक पुल का काम करती है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। सारे संसार में अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है, जबकि अपने देश भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। फिर है मानक भाषा वर्तनी। तो मानक भाषा वर्तनी पढ़े लिखे समाज द्वारा व्याकरण के अनुसार अपनाया जाने वाला भाषा का शुद्ध रूप मानक भाषा कहलाता है। मतलब जिस रूप को मान्यता प्राप्त है उसे ही हम क्या कहेंगे? मानक भाषा कहेंगे। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में अनेक प्रकार के अंतर आने लगते हैं। इन्हीं अंतरों के द्वारा हम लिपि और वर्तनी के अनेक रूपों के स्थान पर किसी एक रूप को निर्धारण कर देना ही वर्तनी का मानकीकरण कहलाता है। इसी निर्धारित वर्तनी को मानक वर्तनी कहते हैं। फिर है कि हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मतलब हमारी हिंदी भाषा है तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हिंदी जो है वो पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। फिर दूसरा, यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। मतलब जैसा हम इसे बोल रहे हैं ना वैसा ही हम इसे लिखेंगे। भारत के 29 राज्यों में से 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ये कौन से हैं? तो ये हिंदी भाषी राज्य है, यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। फिर है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी, ये सभी भाषाएं भारत देश में बोली जाती हैं। इस प्रकार अब भारत में निम्नलिखित जो 22 भाषाएं हैं वो प्रचलित हैं। इन 22 भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब जो संस्कृत भाषा है, हमारी प्राचीन भाषा है, तो और संस्कृत भाषा को ही सभी भाषाओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा से ही किसका जन्म हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 14 सितंबर 1949 को
भारतीय संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था और भारत के अधिकांश भागों में यही भाषा बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। पहली है पूर्वी हिंदी, इसकी बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दूसरी है राजस्थानी हिंदी, जिसमें जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। फिर तीसरी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली। फिर है चौथी पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा। और पांचवी उपभाषा है बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही है। फिर है साहित्य। हम साहित्य किसे कहेंगे? तो हिंदी भाषा में जो ज्ञान का संचित कोश है उसे हम क्या कहेंगे? साहित्य। साहित्य के कितने रूप होते हैं? तो साहित्य के 2 रूप होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य में हम जो कहानी है, लेख है, निबंध है, ये लिखते हैं। और पद्य में क्या होता है? कविताएं या किसी भी कवि की पद या रचना, वो किस में आएगी? पद्य में। तो साहित्य के 2 रूप होते हैं। यह साहित्य जो है प्राय शुद्ध, परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत भाषा में लिखा होता है। साहित्य के रूप गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। अब हम जानेंगे कि गद्य साहित्य किसे कहते हैं। तो गद्य साहित्य साधारण भाषा और सरल वाक्यों में लिखित साहित्य गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें लय, तुक, छंद आदि का कोई स्थान नहीं है। गद्य साहित्य में व्यक्त विचारों एवं भावों को सरलता से समझा जा सकता है। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, जिनमें प्रमुख है निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, आत्मकथा, जीवनी आदि। फिर है पद्य साहित्य। तो लय, तुक, छंद और अलंकार आदि से युक्त साहित्य को क्या कहा जाएगा? पद्य साहित्य कहा जाता है, क्योंकि पद्य साहित्य में हमें लय का, तुक का, इनका सबका ध्यान रखा होता है, क्योंकि इसे हम गा भी सकते हैं। तो पद्य साहित्य में सीधा सरल अर्थ है कविता, मतलब पद्य साहित्य हम किसे कह सकते हैं? जिसमें कविता होती है। इस प्रकार कविता में जो साहित्य लिखा जाता है उसे पद्य साहित्य कहा जाता है। इसे ही काव्य साहित्य भी कहा जाता है। अब हम इस वीडियो में हमने किन किन के बारे में पढ़ा, एक बार मैं उनके बारे में वापस आपको दोहरा रही हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। फिर भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। संवैधानिक रूप से भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की सरकारी कामकाज यानी राजभाषा है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में तेजी से विकसित हो रही है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भाषा का परिनिष्ठित मानक रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा की एकरूपता के लिए निर्धारित किया गया वर्णों एवं शब्दों का मानक रूप मानक वर्तनी कहलाता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और सबसे अंत में कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के 2 रूप होते हैं, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। तो अगले वाले वीडियो में हम फिर नए पाठ के साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।